नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र की महादशा के विषय में। शुक्र ग्रह की महादशा यदि सिंह लग्न की कुंडली के जातकों को चलती है तो अपने कैसे फल या क्या परिणाम देती है, इस बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा सटीक उपाय, ऐसे सटीक उपाय जिन्हें करने से यदि कहीं शुक्र की महादशा किसी तरह से खराब फल देने वाली है तो उन खराब फलों में भी जरूर से कमी कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि सिंह लग्न की कुंडली में शुक्रदेव क्या रोल प्ले करते हैं, क्या दर्जा रखते हैं। तो फिलहाल अभी आप ये जो कुंडली देख रहे हैं ये सिंह लग्न का कुंडली है। क्यों? क्योंकि इसके लग्न पर, इसके पहले भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि लियो, और सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं सूर्य। तो सूर्य का कुंडली हो गया, सिंह लग्न का ये कुंडली हो गया, सूर्य इस कुंडली के लग्नेश हो गए। अभी सिंह लग्न की कुंडली में तृतीयेश यानी तीसरे भाव के स्वामी जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है वो है कुंडली का तीसरा स्थान, तृतीय भाव। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि या लिब्रा, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो तृतीयेश जो है वो शुक्र हो जाते हैं, इसी के साथ साथ कर्मेश भी शुक्र हो जाते हैं। कर्मेश मतलब कुंडली का जहां पर 10वां स्थान है वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि के स्वामी भी हो जाते हैं शुक्र। तो कर्मेश, कर्म भाव कहते हैं 10वें घर को, तो इस वजह से कर्म भाव के स्वामी कर्मेश। तो कर्मेश और तृतीयेश जो है वो शुक्र सिंह लग्न की कुंडली में होते हैं। चूंकि तृतीयेश है लेकिन उसके बावजूद भी शुक्रदेव को सिंह लग्न की कुंडली में सम ग्रह का दर्जा प्राप्त है। कहने का मतलब ये कि ये सम फल देते हैं, कुछ क्षेत्रों में अच्छे फल देंगे, कुछ क्षेत्रों में खराब फल देंगे। तो सामान्यतः वो जो अच्छे या खराब फलों को मिलाया जाए तो सम फलों की गिनती में आ जाएंगे। अभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही समफल दे, सामान्यतः ये समफल देते हैं। इसका मतलब ये है कि विशेष परिस्थितियों में ये खराब फल भी देते हैं। अभी कौन कौन सी परिस्थितियों में खराब फल दे सकते हैं, तो फिलहाल अभी आप जो कुंडली देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर लाल रंग है वहाँ पर यदि शुक्रदेव बैठेंगे तो ये अपने खराब फल देंगे, और जहाँ पर सफेद रंग है वहाँ पर शुक्र बैठेंगे और शुक्र की महादशा चलेगी तो ये अपने अच्छे फल देंगे। अभी क्या अच्छे फल देंगे और क्या खराब फल देंगे अपनी महादशा में, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, अच्छे फल का मेरा मतलब है सम फल। हाँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे फल नहीं देने वाले लेकिन सम फल जरूर से देंगे। तो सम फल क्या देंगे और क्या खराब फल देंगे, तो सबसे पहले सम फलों की चर्चा करते हैं, क्योंकि सामान्यतः शुक्र की महादशा के इस लग्न की कुंडली में सम फल देखने को मिल जाते हैं। तो चूंकि शुक्र जो है वो तृतीयेश है और कर्मेश है, इसका ये मतलब होता है कि शुक्र की जब भी महादशा चलेगी तो जातक को वो भागा दौड़ी देगी, कार्य की अधिकता देगी। वो जातक को ये महसूस कराएगी कि यार मुझे अपने कॉलिग्स के मुकाबले, मुझे अपने दोस्त के मुकाबले ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कार्य की अधिकता लगती है। तो ये तो उसे शिकायत एक रहती है, लेकिन इसके बदले उसे मिलता भी है। कहने का मतलब कि उसका कॉलिग के बदले उसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मान लेते हैं उसका कॉलिग 100 रुपए का काम कर रहा है लेकिन जो जातक है जिसे शुक्र की महादशा चल रही है उसे 115 रुपए का काम करना पड़ रहा है, लेकिन कॉलिग को 100 रुपया मिल रहा है तो जातक को भी 100 रुपया मिलता है। तो जो काम किया जा रहा है वो ज्यादा करना पड़े, कार्य की अधिकता के साथ करना पड़े, वर्कलोड के साथ ज्यादा करना पड़े, प्रेशर के साथ करना पड़े, लेकिन उसके बदले जातक को चीजें मिलती भी हैं, मिलना बंद नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अधिकतर आजकल ये ज्यादा ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि कोई उच्च पद पर हैं, मान लेते हैं किसी, हम आईएएस ऑफिसर की बात करें, किसी डीएम के, कलेक्टर की हम बात कर रहे हैं, अब भाई उसे रात दिन काम करना पड़ता है, रात दिन डीएम के या कलेक्टर के माथे पर टेंशन रहता है, रात दिन काम करना पड़ता है, कार्य की अधिकता लगी रहती है, इधर से मंत्री का कॉल आ रहा है, इधर से लोग जो सामान्य जन है वो परेशान कर रहे हैं, इधर से कलेक्टर अच्छा करना भी चाहे तो इधर से मंत्री का या विधायक का या किसी और का कॉल चला गया, भैया आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वो काम उसे नहीं करना है, नियमों को ताक पर रख करके काम नहीं करना है। ऑब्वियसली तो बहुत सारे टेंशन एक आईएएस ऑफिसर के माथे पर होते हैं। अभी टेंशन है, कार्य की अधिकता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, रात दिन काम कर रहे हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, फैमिली लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बदले में मिल भी तो रहा है भाई, सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो बदले में चीज़ें मिलती भी हैं। तो इस तरह के हालात कुछ निर्मित हो जाते हैं, इसे हम सम फल का दर्जा देते हैं। आप जब कांटों से भरी कुर्सी पर बैठते हैं तो आपको यदि वहाँ पर सम्मान भी मिल रहा है, वहाँ पर प्रतिष्ठा भी मिल रही है, तो भी आप ये नहीं कहते कि हाँ हाँ मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। ऑब्वियसली कांटों से भरी कुर्सी है, वो वहाँ पर कोई खुश नहीं होगा। तो इसे हम सम फल का नाम दे देते हैं।
अभी मेरा कहना ये नहीं है कि शुक्र की महादशा चले तो जातक जो है वो कलेक्टर या डीएम बन जाता है, इसको इस बात से बिल्कुल भी आप कनेक्ट ना करें। मैं तो केवल एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा था, उच्च लेवल पर जाने के लिए कुंडली में योग है कि नहीं है, डेस्टिनी है कि नहीं है, वो देखना बहुत यहाँ पर जरूरी होगा। लेकिन चाहे जातक प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे क्लर्क की जॉब कर रहा हो, लेकिन उसे ऐसे महसूस होता है कंपेरेबली अपने कलीग से, ऐसा मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ाई में भी बात करें तो ये लगता है कि यार मेरा दोस्त जो है 1 घंटे में उतना ही याद कर लेता है, मुझे 1.5 घंटा या 2 घंटा लगता है उतना ही याद करने में, याद हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा कार्य की अधिकता लगती है। शुक्रदेव जो है वो धन के स्वामी है, भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी है, तो भैया धन और भौतिक सुख सुविधाएं जरूर से जातक को अपनी शुक्र की महादशा में मिल जाया करती है, तो ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पर होती है। तो इसे मैंने यहाँ पर सम ग्रह का नाम दिया है शुक्रदेव को, और सम जैसे फल वो देते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन खराब फल क्या देते हैं, तो खराब फल जो है वो ये देते हैं कि यदि जॉब अच्छी है, यदि धन मिल भी रहा है, तो ट्रांसफर होते रहे। उदाहरण के तौर पर 6 महीने यहाँ काम किया, 6 महीने वहाँ काम किया, 6 महीने वहाँ काम किया, या फिर धन मिल रहा है, प्राइवेट जॉब भी है, तो एक जॉब में रहे, फिर 6 महीने में शत्रु बन गए, बॉस ही शत्रु बन गए, उन्होंने निकाल दिया या खुद ने रिजाइन दे दिया, फिर 6 महीने बाद किसी और जॉब में गए, फिर वहाँ से निकाल दिया या फिर रिजाइन दे दिया, फिर कहीं और गए, तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी जो है वो शुक्र की महादशा में बनती रहती। कब? जब शुक्र जहाँ लाल रंग है वहाँ बैठते हैं। तो इसी के साथ साथ नो डाउट कार्य की अधिकता तो बिल्कुल बढ़ जाती है, वर्कलोड वर्क प्रेशर तो बिल्कुल बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ एक और बात यह कि खर्च जो है वो ज्यादा होता है, सेविंग्स होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। काम को लेकर के जो भी कर्म किया जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई में इवन क्यों ना हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, काम को लेकर के चिंताएं बहुत बनी रहती, कई बार एंजाइटी तक स्थिति पहुंच जाती है। ये 50% ये भी होता है इस केस में कि जातक को पैसा ना भी मिले अपने काम से, 50% ये चीज़ होती है। उदाहरण के तौर पर कोई जातक जो है वो नौकरी कर रहा है, कार्य की अधिकता के साथ नौकरी कर रहा है, 1 महीना नौकरी किया, भाई सैलरी जो है वो आना थी 1 तारीख को, सैलरी नहीं आई, 15 तारीख हो गई, अगला महीना लग गया, सैलरी नहीं आई, तो इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो जाती है। कई बार बिजनेस किया जा रहा है, बहुत काम किया जा रहा है, बिजनेस का सही फल भी नहीं मिल रहा। तो जहां लाल रंगे थी वहां शुक्र बैठेंगे तो शुक्र की महादशा में इस तरह के खराब फल देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली सम फल भी देखने को मिलते हैं, मैंने दोनों ही फलों की चर्चा आपसे कर ली, आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। तो दोस्तों यदि खराब फल देखने को मिलते हैं तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि इसी चैनल पर, यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सभी ग्रहों के उपाय इस नाम से आपको एक सीरीज मिलेगा, उस सीरीज में जाइए और वहां जा करके आप जो है वो शुक्र ग्रह का वीडियो देखिए। शुक्र ग्रह के वीडियो में जो भी मैंने बताया, डूज एंड डोंट्स एंड एवरीथिंग, जहाँ मंत्र वगैरह जो भी मैंने बताया, उन सारे मंत्रों को, सारे डूज डोंट को आप जो है वो फॉलो करिए। यदि आप वो करते हैं तो शुक्रदेव के जो खराब फल मिल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि शुक्रदेव की कृपा से, उन मंत्रों के, उन उपायों की कृपा से आपको जो है खराब फल में कमी जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा शुक्रदेव की महादशा के विषय में, जो कि सिंह लग्न की कुंडली में चलेगी, कब अच्छे फल मिलेंगे, कब खराब फल मिलेंगे, क्या अच्छे क्या खराब फल मिलेंगे और क्या उपाय करने चाहिए यदि खराब फल मिलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।